मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हेमलता, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या करूं, इतनी मेहनत के बावजूद सक्सेस नहीं मिलती, दिन रात दौड़ने के बाद भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। जी हाँ, ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हमारे आसपास बहुत मिल जाएंगे, जो कुछ ऐसी ही बातें करते हुए हमें नजर आएंगे। वास्तविकता में ये लोग कभी सफलता का मन से प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सफल लोगों से ईर्ष्या करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और अपनी किस्मत को हर चीज के लिए दोषी ठहराते हैं। क्या ये सही है? क्या सच में आपने अपना लक्ष्य सही सेट किया है? कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें कि मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ? क्या किसी को देखकर मैंने ये टारगेट सेट किया है? क्या किसी से ईर्ष्या की भावना के तहत मैंने ये गोल सेट किया है, या किसी के कहने से मैंने ये गोल सेट किया है? अगर गोल सेट करने के ये तीन रीजन हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गोल अचीव करने के लिए आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ, यही मेरा टारगेट है, मुझे यही बनना है। हाँ, ये सच है कि हम किसी ना किसी को देखकर प्रेरित होते हैं, फिर हम हमारा टारगेट सेट करते हैं, लेकिन इसे हम किसी को देखकर सेट किया गया गोल नहीं मानेंगे। ये हमारी प्रेरणा है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी से प्रेरित होकर कोई काम करता है और आगे बढ़ता है। प्रेरणा हम किसी से भी ले सकते हैं, हमारे पिताजी से ले सकते हैं, माताजी से ले सकते हैं, घर के किसी सदस्य से ले सकते हैं, हमारे दोस्त से प्रेरित हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हम कभी मिले ही ना हो, जिसके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, कभी टीवी में उन्हें देखा होगा, न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब, विवेकानंद जी आदि। इन महापुरुषों की जीवनी देखकर, पढ़कर, सुनकर भी हम बहुत सारे लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी सोच समझकर अपना टारगेट सेट करें, बस यूं ही किसी को देखकर हमें अपना गोल नहीं सेट करना है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद।